अयोध्या से ये बड़ी कवरेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से ठीक 11 दिन पहले आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों की समीक्षा को लेकर अयोध्या में हैं। लेकिन उससे पहले आप ये लगातार तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें आप रामलला की देख रहे हैं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जी न्यूज के माध्यम से इन तस्वीरों के जरिए भगवान के दिव्य दर्शन करिए। अयोध्या के पावन धाम से हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब वो इंतजार जो राम भक्तों का एक लंबे वक्त से जो इंतजार चल रहा था वो अब खत्म होने को है, या फिर हम कहें कि अंतिम पड़ाव पर है। भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, भूमि पूजन में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले अब तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी अपने घर बैठकर भगवान रामलला के दर्शन कर पाए। हमारे साथ दो बहनें जुड़ी हुई हैं, धनलक्ष्मी और साथी भाग्य लक्ष्मी। लगातार आपको वो अपने भजन के माध्यम से, आखिर ये भावनाएं क्या हैं, आप जब इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आपके मन में भी ये भावनाएं आ रही होंगी। मैं फिर से चाहूंगी कि इन तस्वीरों को देख कर, चूंकि बहुत सारे करोड़ों भक्तों की आस्था इन तस्वीरों के माध्यम से जुड़ी हुई है, इनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जब ये तस्वीरें हम देखते हैं, जब रामलला के दर्शन हम करते हैं, तो वो शब्द क्या होंगे, वो भाव क्या होंगे जो आपके मन में अभी आ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज मिल रही है? चलिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है लेकिन आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखने के लिए करोड़ों लोग आज जी न्यूज़ देख रहे होंगे, और हम जिम्मेदारी के साथ उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए, उनकी भावना का ख्याल रखते हुए भगवान श्री राम के दर्शन इस वक्त आपको करा रहे हैं। आप घर पर बैठे हैं लेकिन अयोध्या से रामलला की ये दिव्य तस्वीरें, ये दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं जी न्यूज़ के माध्यम से। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री राम की, चूंकि ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार हो रहा है जब मंदिर निर्माण होगा, और वो इंतजार भी, वो सपना भी अब साकार होने को है, अंतिम पड़ाव पर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं अयोध्या, वो अयोध्या में ही मौजूद हैं, क्योंकि 5 अगस्त वो तारीख है जब भूमि पूजन होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे, तो उससे पहले वो तैयारियां पूरी हों, पूरी तरीके से उन तैयारियों को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, ताकि कमी कोई ना रहे, और कमी ना रहे इसीलिए क्योंकि एक बहुत लंबा इंतजार किया है सभी ने। ये तस्वीरें आस्था से जुड़ी हुई हैं और हर कोई इस वक्त इस तस्वीर के दर्शन करना चाहता है, रामलला के दर्शन करना चाहता है, तो प्रभु श्री राम के दर्शन आप जी न्यूज के जरिए कीजिए। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अलौकिक और दिव्य तस्वीरें हैं। हर कोई जब इन तस्वीरों को देखता है तो भावुक हो जाता है, क्योंकि ये आपकी भावना से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़ी हुई हैं, ये भक्ति से जुड़ी हुई हैं। रामलला का मंदिर कैसा होगा ये भी हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं जी न्यूज़ पर, हम आपको उसका प्रारूप दिखाते रहे हैं, हम एक नक्शा आपको उनका दिखाते रहे हैं। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, चूंकि इन तस्वीरों का जिक्र हो रहा है तो भावनाएं आप सभी के मन में जाहिर तौर पर उमड़ रही होंगी, धन लक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी जो अपने भजन के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से, क्योंकि ये तस्वीरें रामलला के दर्शन जब हम करते हैं तो मन में एक अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है, क्या शब्द देंगे इस वक्त में? हमें इस पावन अवसर पर एक भक्ति गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, वो है श्री कृष्ण भजन जी। ये रविंद्र जैन जी ने गाया हुआ है, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी गृह के तुम अवतारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्णा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ जितनी खूबसूरत है। और इस मौके पर इन तस्वीरों के साथ जब हम उन्हें सुन रहे हैं तो वाकई हर कोई इस वक्त आनंदित हो उठता होगा। अच्छा भाग्यश्री और धनश्री, मैं आप दोनों से ही, चूंकि हम यहाँ पर रामलला का जिक्र कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम एक्सक्लूसिवली इस वक्त दिखा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब भी भविष्य में, चूंकि अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान का भव्य मंदिर बन चुका होगा, तो आप लोगों को भी कभी ना कभी वहां जाने का मौका मिलेगा। एक भजन है, हम राम कथा सुनाते हैं और उसमें पूरी राम कथा का जिक्र है, अगर वो दर्शकों को आप सुना पाए तो। हाँ जरूर मैम, हम कथा सुनाते कथा सुनाते राम सकल गुण धाम भी हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया नृप घर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरण हुई शिक्षा रघुवर पूरण काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम प्रसंग विश्वामित्र महामुनि राय तिनके संग चले दो भाई कैसे राम ताड़ का मारे कैसे नाथ अहिल्या तारी मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण पहुँचे मिथिला धाम
जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमार, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जी धन्यवाद, बहुत ही सुंदर और बहुत अलौकिक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस वक्त जी न्यूज़ देख रहा होगा, जो भगवान श्री राम के रामलला के रूप में बाल स्वरूप के दर्शन कर रहा होगा और साथ ही आपके भजन इस दौरान इस बीच सुन रहा होगा, तो वाकई आनंदित हो उठा होगा और भावनाएं उमड़ रही होंगी, क्योंकि बहुत भावुक पल होता है जब भगवान श्री राम के रामलला रूप का जिक्र होता है, उनके भव्य मंदिर निर्माण का जिक्र होता है। चूँकि एक बहुत लंबा इंतज़ार, एक बहुत लंबी लड़ाई पूरे संत समाज ने लड़ी है इस मौके के लिए, जो मौका 5 अगस्त को आ रहा है। जी न्यूज़ पर हम लगातार वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपकी भावनाएं इन तस्वीरों से जुड़ी हुई हैं, रामलला से जुड़ी हुई है। जब बात रामलला की होती है तो हर कोई भावुक उठता है और इंतजार चूंकि खत्म होने को है, 5 अगस्त वो तारीख जब वो संकल्प पूर्ण होगा, जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो संकल्प, जो इच्छा शक्ति सरकार की है। और उसके बाद अब ये तस्वीरें, चूंकि तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और अंतिम पड़ाव पर इस वक्त जो तस्वीरें हमें भी मिल रही हैं वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आपको पता है कि अयोध्या दौरे पर हैं आज, वो तैयारियों की समीक्षा करेंगे, वहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और ये हनुमानगढ़ी वो पहुंचे हैं भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए, और उसी से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज की तस्वीरें हैं। हर कोई इन तस्वीरों को आज देखकर उस अंतिम जो अभी पड़ाव चल रहा है, इंतजार खत्म होने का, वो देख रहा है। और वटकर बहन हमारे साथ हैं, धनश्री और भाग्यश्री, हालांकि आप लगातार अपने खूबसूरत, अपनी आवाज से, अपने शब्दों से, अपने भजन से आज सबकी भावनाओं को और जागृत करने का काम कर रही हैं, लेकिन चूंकि अब ये तस्वीरें एक तरफ और दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं भगवान राम से, मैं आपसे इससे पहले भी ये पूछना चाह रही थी, मुझे बताइए जब आप जाएंगी भगवान रामलला के दर्शन करने, तो सबसे पहला वो भजन कौन सा होगा जो उन्हें अर्पित करना चाहेंगी, जो उन्हें सुनाना चाहेंगी? मैम, हम जब अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए जी, तब हम उनके लिए, हम दोनों भी महाराष्ट्रियन है, तो हमने मतलब राम जन्मला गा सखी राम जन्मला, ये भक्ति गीत उनके सामने प्रथम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा वो भक्ति गीत सबसे फेवरेट है और हम अपेक्षा करेंगे कि प्रभु राम जी को भी वो हमारा भक्ति गीत पसंद आएगा। ठीक है, तो आप अगर उसको सुनाना चाहें यहाँ पर? हाँ जरूर सुनाएंगे मैम जी। श्री रामचंद्र, कञ्जलोचन कन्दमुखकर कन्दपद कन्दारुणं श्रीराम श्रीराम कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरं पटपे शुचि नामे जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं श्रीराम श्री
शरणम आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम श्रीराम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्रीराम श्रीराम जय श्रीराम। बहुत ही खूबसूरत आपके एक एक भजन जो आज आपने जी न्यूज़ पर हमारे दर्शकों के लिए गाए हैं वो वाकई इन तस्वीरों के साथ वो चार चांद लगाने का काम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया धनलक्ष्मी और साथ ही भाग्य जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत भजन आज हमारे दर्शकों को यहाँ पर सुनाने के लिए। तो लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जी न्यूज़ पर, चूंकि हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी अयोध्या से। भगवान रामलला के दर्शन आप जी न्यूज़ पर कर रहे हैं और आगे भी हम आपको दर्शन भी कराते रहेंगे और मंदिर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई हर अपडेट भी जी न्यूज़ सबसे पहले और सही जानकारी के साथ आपको पहुँचाएगा। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।